हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंक्रीट एंड एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट क्या है और इसके एडवांटेज क्या है, क्यों आजकल ये इतना ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। काफ़ी टाइम से जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये जो कि यूज़ हो रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल को मिक्स करके जो है कॉन्क्रीट बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्क्रीट क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर है किस किस का, सीमेंट का प्लस एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक है, सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर का एक मिक्सचर है जिसको कहते हैं कंक्रीट, इससे मिलकर बनता है इन तीनों चीजों से। ठीक है, तो एग्रीगेट भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है फाइन एग्रीगेट, ठीक है, एक होता है कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, दो टाइप के एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर से मिलकर बनता है, तीनों को मिक्स करके बनता है कॉन्क्रीट। ठीक है, एग्रीगेट के दो टाइप होते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट कौन से होते हैं, जो सैंड आपने देखी होगी साइड पे, सैंड बालू जिसे बोलते हैं हिंदी में सैंड, उसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। और कोर्स एग्रीगेट जो छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं पत्थर, ठीक है, उनको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। तो इन सब का मिक्सर मिक्स करके एक पेस्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्क्रीट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कॉन्क्रीट की डेफिनेशन, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एडवांटेज ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है कॉन्क्रीट के, चलिए डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं कॉन्क्रीट को यूज़ करने के। ठीक है, चलिए एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है कॉन्क्रीट इज इकोनॉमिकल, यानी कि कॉन्क्रीट इकोनॉमिकल का मतलब ये सस्ता है, और मटेरियल को अगर बनाएंगे और इसको बनाएंगे तो ये हमें सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। कैन बी कास्ट इन टू एनी शेप, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो, किसी भी शेप को बनाना हो, इससे आराम से बना सकते हैं। कास्ट का मतलब होता है कि किसी भी शेप में इसको डाल सकते हैं, ठीक है, कास्टिंग कर सकते हैं। एक्सेलेंट वाटर रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक बात, ठीक है, जैसे हम लोग छत बना देते हैं, कोई भी RCC का स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो बारिश पड़ती है तो पानी अंदर थोड़ा जाता है। ठीक है, तो एक्सेलेंट वाटर रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पानी को रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डनेस एट एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर का मतलब है कि मान लो कि रूम टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर हो रहा है उसी पे जो है हार्ड हो जाता है, कोई स्पेशल टेम्परेचर हमें इसका नहीं चाहिए होता है इसको हार्ड करने के लिए। हाई थर्मल रेसिस्टेंस एंड फायर रेसिस्टेंस, ठीक है, एकदम से किसी चीज़ से हीट नहीं के इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आग भी नहीं लग सकती, फायर रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई थर्मल रेसिस्टेंस एंड फायर रेसिस्टेंस। नेक्स्ट है लो या जीरो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एक बार कोई हमने स्ट्रक्चर बना दिया कॉन्क्रीट से तो उसका मेंटेनेंस क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, मल्टी मोड एप्लीकेशन, ठीक है, इसको किसी भी तरह से बहुत सारे तरीके हैं इसको अप्लाई करने के, ठीक है, कास्ट करने के, तो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं आपको, मल्टी मोड एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कॉन्क्रीट के कुछ एडवांटेजेस। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।